मोहतरम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जफर इकबाल और आप देख रहे हैं जफर टेक टीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने आर्टिकल के अंदर अपनी किसी भी वीडियो, जैसे कि आप यूट्यूब की एक वीडियो है जो कि आपके आर्टिकल से रिलेटेड है, या इस तरह से जो आपने आर्टिकल लिखा है उसी की एक वीडियो आपकी यूट्यूब पर पड़ी है और आप उस मेथड को इसके अंदर दिखाना चाहते हैं, अपने आर्टिकल के अंदर किसी भी वीडियो को शामिल करना चाहते हैं, वीडियो को लगाना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं। आज के इस लेक्चर सेशन के अंदर हम ना सिर्फ उस वीडियो को लगाना सीखेंगे, बल्कि खासकर हम आपको सिखाएंगे कि आप ऑटो प्ले वीडियो अपनी इस ब्लॉगिंग के आर्टिकल के अंदर आप किस तरह से लगा सकते हैं। ऑटो प्ले वीडियो वो वीडियो होती है, जब भी कोई विजिटर आपके उस पेज पर आएगा वो पेज तो विजिट करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी यूट्यूब की वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की जानब, और आज के लेक्चर में हम सीखते हैं कि आप अपने आर्टिकल के अंदर वीडियो को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। सो आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को, तो कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। मोहतरम स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की जानब और आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारा ब्लॉगर फ्री सब डोमेन वेबसाइट ओपन है और यहाँ पे एक आर्टिकल है, मैं उसको कर लेता हूँ ओपन। और गाइस, जैसे ही हमारा ये आर्टिकल ओपन होगा, नॉर्मली ये होता है कि आप अगर के आर्टिकल के अंदर एक वीडियो को ऐड करते हैं तो वो खुद से नहीं चलती, आपको प्ले के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को प्ले करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे आगाज में कहा था कि हम आपको वैसा मेथड बताएंगे कि आपकी वीडियो खुद से प्ले होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं अभी हमारा ये पेज ओपन हुआ है और पेज के अंदर मौजूद वीडियो खुद से चलना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की जानब कि आखिर ये वीडियो खुद से प्ले कैसे हुई और इस वीडियो को आप अपने पेज के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड किस तरह से कर सकते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं अपने ब्लॉगर फ्री सब डोमेन वेबसाइट के डैशबोर्ड पर और मैं उस आर्टिकल को कर लेता हूं ओपन। जब हम इस आर्टिकल को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, लेकिन इसको हमें लेके जाना होगा HTML व्यू में। और जब हम इसको HTML व्यू में लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एक फ्रेम का कोड जो है वो नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। लेकिन ये कोड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है HTML का कोड है, ये आपको मिलेगा कहाँ से? ये कोड आपको गाइस मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक दिया गया है डाउनलोडिंग लिंक, और आपने उस डाउनलोडिंग लिंक से इस कोड को कर लेना है डाउनलोड। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसकी गाइडलाइन करता जाऊं, आपने इतना हिस्सा अपनी वीडियो का ऐड करना है। ये ना हो कि आप एज सेम एज इस लिंक को उठाएं और अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करें तो उससे आपकी वेबसाइट के अंदर ये वाली वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी जो कि जफर टेक टीवी की है। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा मकसद आपकी रहनुमाई करना होता है, आपको समझाना होता है। सो आपने इतना हिस्सा वीडियो का चेंज करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑटो प्ले मींस कि जब ये वीडियो आपके उस पेज पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली रन होना, चलना शुरू हो जाएगी। ये कोड आपको मिल जाएगा हमारी इस वीडियो YouTube की, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर, और वहां से आप क्लिक करके इस कोड को कर लीजिएगा डाउनलोड। और उसके बाद जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा, आपके उस पेज पर आएगा, तो वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर कि आप किस तरह से अपनी ब्लॉगर फ्री सब डोमेन वेबसाइट के अंदर आप ऑटो प्ले वीडियो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और हमारे यूट्यूब वीडियो को कर दें लाइक।